हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम फॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में वो मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको 50% कोर्स करना है। जैसे कि आपको पेपर स्टाइल तो पता ही है भाई, सेक्शन दो आएंगे। सेक्शन वन में चार क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन वन जो है यूनिट वन में से होगा, क्वेश्चन टू यूनिट टू में से होगा, क्वेश्चन थ्री यूनिट थ्री में से होगा, क्वेश्चन फोर यूनिट फोर में से होगा। और आपको अटेम्प्ट एनी टू करने हैं। 20-20 मार्क के हर एक क्वेश्चन होंगे। कोई भी दो यूनिट आप करोगे 40 मार्क कवर हो जाएंगे। और यूनिट टू में एमसीक्यूज आएंगे, उसमें आपको 5 एमसीक्यूज करने होंगे 10 मार्क के। तो इस तरह आपको सिर्फ 50% कोर्स पढ़ना है। पेपर स्टाइल जो है वो सेम आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अभी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। यूनिट वन में प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसकी मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक पढ़ना है। और इसके बाद स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके बाद प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग ज़्यादातर आता है, पर आपको सब क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। यूनिट वन अगर जो आप कर रहे हो तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, इसमें से 20 मार्क कवर होंगे। और यूनिट टू करना चाहते हो परचेसिंग, तो उसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। 4 में से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको चारों करने हैं, ये ध्यान रखना। करने चारों हैं, पर जो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, इस तरह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक परचेसिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथड ऑफ परचेस, और इसके बाद सेंट्रलाइज परचेसिंग, उसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, ये IMP है। फर्स्ट और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और डिसेंट्रलाइज परचेसिंग, तो देखो ये मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको ये चारों क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसमें से 20 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यूनिट 3 इन्वेंट्री कंट्रोल, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, उसकी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इसकी इंपॉर्टेंस IMP है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक और है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो यूनिट 3 करना चाहते हो तो आपको ये 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अगर जो यूनिट 4 करना चाहते हो उसमें भी मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता ही है, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके बाद प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इसके बाद कॉसेस एंड रेमेडीज ऑफ प्रोडक्ट फेल्यूर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। एक और है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी यूनिट करो, दो यूनिट अच्छे से करो, जितने मैंने क्वेश्चन दिए, लिमिटेड क्वेश्चन दिए, इतने आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में मुझे इंपॉर्टेंट देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।